नमस्कार जी, मैं हरप्रीत जेवीवी न्यूज से। देश और दुनिया भर की नई ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बेटी की जो अपने पिता की मृत्यु के लिए कई महीनों से इंसाफ मांगते हुए लोगों के सामने दुहाई कर रही है। हम बात कर रहे हैं गोविंदपुरा भोपाल में रहने वाले तरुण राजपूत की। तरुण राजपूत की कुछ महीने पहले ही मौत हो गई थी। किरण राजपूत का कहना है कि कुछ महीनों पहले ही उसके पिता के ऊपर हमला किया गया था 8 लड़कों के द्वारा। जब 8 लड़कों ने उनके घर पर हमला किया, उस हमले में उसके पिता को इतनी मार पिटाई की कि उसके पिता 3 दिन तक बेहोश रहे और इसी के चलते हुए 3 दिन के बाद उसके पिता की मौत हो गई। और इसी के चलते हुए जब उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई तो उसमें और FIR दर्ज करवाई किरण राजपूत ने उन लड़कों के खिलाफ, तो पुलिस वालों का कहना ये है कि उसके पिता की जो मौत है वो अटैक आने से हुई है। अटैक आने से उसके पिता के सर पर चोट लगने की वजह से मौत हो गई, जो कि बिल्कुल गलत है। किरण राजपूत का कहना ये है कि उसके पिता की मौत हमले में हुई है मार पिटाई के कारण, ना कि सिर पे चोट आने से, जो कि उन्होंने इसके खिलाफ कई गवाह भी पेश किए थे जिसका कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जब उसने इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई तो FIR दर्ज में भी जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें यही दिखाया गया है कि उसके पिता की पिटाई करने से मौत नहीं हुई है, उसके पिता की जो है उनको अटैक आया था, सर पे चोट लगने से मौत हो गई। इसी के चलते हुए जो है जो उन्होंने गवाह पेश किए थे उन गवाहों को भी गलत साबित किया गया है। गवाहों के जो बयान थे उनको भी गलत साबित करके उल्टा उसमें दर्शाया गया है। इसी के चलते हुए किरण राजपूत तब से, जैसे कि अप्रैल मंथ में उसके पिता की मौत हुई है, तब से लेकर अब तक इंसाफ मांगते हुए लोगों से यही कह रही है कि उसने ऐसा क्या किया है जो उन लोगों के साथ इतना बुरा हो रहा है, क्यों उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, क्यों उनकी कोई सहायता नहीं कर रहा, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है। जब किरण राजपूत के पिता की मौत हो गई उसके बाद उनके घर पर फिर से हमला किया गया जिसकी वजह से उन लोगों को घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। इसके चलते हुए किरण राजपूत रो रो कर ये कह रही है कि उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें वो 25 साल से रह रहे थे, अब उनको घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। उनके लिए खाने पीने के लिए कोई भी वहाँ पर प्रबंध नहीं है, फिर भी लोग उनको जीने नहीं दे रहे, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उनके साथ इतना बुरा किया जा रहा है। प्लीज यार, कोई तो मदद करो प्लीज। आप लोगों को समझ भी नहीं आता कि हमारे साथ कितना कुछ गलत हो रहा है। लोग बहुत गरीब, हमारे साथ बहुत कुछ गलत किया जा रहा है यार। मेरे पिता की हर जगह बात भी गोविंदपुरा थाना ऐसा ही आ रहे हैं। चौहान ने रिश्वत लेकर हमारी पूरी चार्जशीट बिगाड़ दी है। आज मुझे चार्जशीट मिली है, उसमें हत्यारों के संबंधियों को गवाह बनाया गया है। पुलिस का स्वतंत्र गवाह हत्यारों के संबंधियों को बनाया गया है और जो हमारे गवाह हमने अवेलेबल कराए थे पुलिस को, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे लिखा गया है कि सारे हत्यारे और हत्यारे के सहयोगी बच निकले। हमारे घर पर हमला हुआ जिस कारण हमें घर छोड़ना पड़ा है। हमारे पास ना खाने को है ना हमारे पास घर है, उसके बाद भी पुलिस उनका साथ दे रही है। और क्या चाहता है आप लोग? क्या हम लोग हत्या कर लिया अपने आप की? हम लोग मर जाए क्या? हमारे को कभी न्याय मिलेगा कि नहीं? किरण राजपूत ने अपने पिता की मृत्यु का इंसाफ मांगते हुए जो सोशल मीडिया पर वीडियोस डाली थी कि उसकी सहायता की जाए, इसके चलते हुए हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने किरण राजपूत की सहायता के लिए आगे बढ़े हैं, जिनमें से हमारी जो मध्य प्रदेश की MP हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, उन्होंने ट्वीट करते हुए किरण राजपूत को कहा है कि वो किसी प्रकार की अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल या मोबाइल नंबर उनके साथ शेयर करें ताकि वो उसकी सहायता कर पाएँ। और ऐसे ही जो एडवोकेट चांदनी शाह हैं उन्होंने भी किरण राजपूत के पिता तरुण राजपूत की
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं ईमेल किए हैं ताकि उसकी किसी प्रकार से सहायता हो सके। और जो एमएलए हैं मदन कृष्ण गौर जी, उन्होंने भी सीएम को चिट्ठी लिखी है कि किरण राजपूत की किसी प्रकार से सहायता की जाए ताकि उसको इंसाफ मिल पाए। हम सभी को किरण राजपूत की किसी ना किसी तरह से सहायता करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे ही गरीब लोगों के साथ बेइंसाफी होती रहेगी और ऐसे ही गरीबों की जो है मौत होती रहेगी। कोई भी गरीबों की सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। अगर हम जैसे ही ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे तो इनकी तो हिम्मत और हौसला दोनों ही टूट जाएंगे। हम सभी को किरण राजपूत की सहायता करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक और कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद जी।